कर दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ के टेट टेस्ट चल रहे हैं, लगातार अपडेटेड वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। आज है दोस्तों 23 अगस्त, और 23 अगस्त के बच्चे जो है अपने सेंटर से बाहर आ चुके हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। दोस्तों यदि आप भी जाते हो तो आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर जो है आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस का 45वां पार्ट डे से पहले 44 वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको एक और सूचना देना चाहूंगा कि जब तक कि आप लोगों के आरपीएफ के टेट टेस्ट चल रहे हैं, आप लोगों को हर एक अपडेटेड में लेकर के आता हूं, तो आप लोगों को प्रत्येक वीडियो को पूरा अंत तक को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना है। ओके, तो ये दिल्ली का एक्सपीरियंस वीडियो है, जल्द से जल्द पंजाब वालों के भी शुरू होने वाले हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस मैं लेकर के आऊँगा। सभी ट्रेडों के जो है एक्सपीरियंस वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हो चुके हैं, और अभी थोड़ा बार बार वालों के जितने भी हैं उन लोगों को 2-4 दिन और वेट करना पड़ेगा, रियल वीडियो उनके लिए आ जाएगा, किसी फेक वीडियो के झांसे में ना पड़े। इनको पूरा ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, प्रत्येक एक्सपीरियंस आप लोगों को कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर हाँ सर, मैं मनीष यादव बोल रहा हूँ, इलाहाबाद यूपी से। सर आज आपका ट्रेड टेस्ट था सर, जी सर। किस दिनांक में सर? सर आज 23-8 23 तारीख को, 23 अगस्त को ना? जी सर। आपने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे अपने भाइयों के साथ सर? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। सर आपका ट्रेड कौन सा था सर? सर स्वीपर। स्वीपर ट्रेड से थे सर। आपके जो है कितने नंबर आए थे, क्योंकि बच्चों का यही कहना है सर, पहले नंबर भी पूछिए तो नंबर बताइए सर। आपके मार्क्स कितने आए थे पेपर में? सर मार्क्स तो काटने के बाद 35 था सही, और उसके बाद मान लीजिए मार्क्स तो दिखाया नहीं। हाँ हाँ सर। ओके सर, अब बताइए सर किस प्रकार से सर आप पहुंचे और किस प्रकार से क्या क्या हुआ वहाँ पर, एक एक चीज एक्सप्लेन कीजिए सर। सर पुरानी दिल्ली से सर जो है ट्रेन पकड़े, और 10 रुपए की टिकट लगा, वो सुरान रोहिल्ला आए, और रात में वहीं रुके। हाँ। और उसके बाद फिर जो है सुबह जो है 4 बजे उठे। हाँ। और फिर वहां से जो है पैदल ही 500 मीटर दूरी पर है, 500-600 मीटर में, तो पैदल ही चले जाए यहाँ पे सेंटर पे। हाँ। और उसके बाद सर पहले जो है लाइन लगवाई गई, लाइन लगवाने के बाद सर फिर अंदर भेजा गया। हाँ। फिर बैग रखवाया गया, फिर 20-20 लड़कों का ग्रुप बनाया गया सर। और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हुआ। हाँ सर। और वेरिफिकेशन होने के बाद सर जो है वो बिठा दिए, और 10-10 लोगों को फिर ऊपर ले गए टेस्ट के लिए। हाँ। और सर वहाँ मैंने ये देखा कि एक लड़का था दिल्ली का। हाँ। और एक लड़का था तमिलनाडु का। हाँ। तो वहाँ पे दो अफसर, 4-5 अफसर हैं, जिसमें से एक तमिलनाडु का है और एक दिल्ली का है। तो तीन लड़के, दो बैच में तीन लड़के तमिलनाडु के थे, तीन के तीनों हो गए। हाँ सर। और एक हमारे साथ में था दिल्ली का, वो भी हो गया। और जो जिसकी जो एजुकेशन है सर, अगर हो सके तो एजुकेशन बढ़ा कर ही बताएं, क्योंकि वो जो है जो एजुकेशन बढ़ा के बता रहे हैं उन्हीं के ले रहे हैं। ऐसा भी है सर, आप बताइए सर, मतलब शुरुआत। सर एक बात और बताइए सर। हाँ सर। सर जैसे आपकी इंट्री हुई, उसके बाद क्या हुआ, मैं सर पूरा डिटेल में जानना चाहता हूँ सर। मोस्ट ऑफ बच्चे शॉर्टकट में निकलना चाहते हैं, तो आप मुझे एक एक चीज एक्सप्लेन कीजिए, किस प्रकार से कितने बजे आपकी इंट्री हुई। और सर सर मैंने आपका वीडियो बहुत देखा है। हाँ और सर। जो आईडी आप बनाए बहुत सुना है, लेकिन उसमें किसी भी बच्चे ने ये नहीं बताया कि जब फिजिकल पे गए थे, फिजिकल के लिए। हाँ। तो फिजिकल के लिए गए थे तो जो बैच नंबर बना था। हाँ। वो बैच नंबर और जो है जिस डेट के डेट को था वो डेट। सर आप गलत कह रहे हो सर, आप गलत कह रहे हो सर, आप दोबारा जाके सुनिएगा, सब कुछ कहा था बच्चों ने, सब कुछ बताया था सर। सर फिर हो सकता है वो वीडियो मैंने सुना ना हो। हाँ सर ये हो सकता है, लेकिन सर बच्चों ने हर एक बात क्लियर की थी सर। जी सर। हाँ सर, तो बताइए सर, मतलब किस प्रकार से क्या हुआ, मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर। आपने तो जो है अपना बात पुट किया, लेकिन फिर भी आप ये तो बताइए किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। सर कुछ नहीं, कुल मिला के बस उनका दिल जिसके ऊपर आ जा रहा है, उनका मन दिमाग जिसके ऊपर आ जा रहा है उसी को ले ले रहे, हमसे कुछ नहीं कराए सर। इंट्रोडक्शन लिए हम सबसे, एक तमिलनाडु का था एक दिल्ली का था, और उसमें जो दो तमिलनाडु के थे हमारे में, एक दिल्ली का था, उन तीनों का हुआ सिर्फ, और किसी के नहीं हुआ, बाकी सबको जो है आराम से भगा दिए। और वही दोनों से काफी देर तक बात भी किए। और जो दिल्ली वाला था वो तो जो है
एजुकेटेड था, और जी उसको जो है बोले कि तुम बताओ इतना पढ़े लिखे हो फिर भी जो है तुम यहाँ ग्रुप डी की नौकरी करने चले आए हो। बोला हाँ सर फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए हम चले आए। हाँ सर, तो उससे काफी देर पुटअप किया क्वेश्चन, तो बोला कि तुम्हें जो है कोचिंग पढ़ा लेते तब भी तुम अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तो बोला कि नहीं सर, जो है फैमिली वाले चाहते हैं कि नौकरी करें सरकारी। तो बोला चलो ठीक है फिर कोई बात नहीं। और उसके बाद उसका भी हो गया सर। हो गया उसका भी, उसका सिलेक्शन हो हेलो, गया। तो हाँ सर उसका ही हो गया। मीन्स वो अच्छा था पढ़ने लिखने में, एजुकेशन का भी इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं का मतलब आपका यही है? हाँ सर, वो पढ़ता तो है तभी तो देख तो रहे हैं सर सामने, मतलब एजुकेशन बताया उसके बाद वो हो गया। एक लड़के से पूछे थे एजुकेशन, वो बताया था ये इंटर उसका नहीं हुआ। ऐसा हाँ सर, तो इंटर वालों का नहीं हो रहा है, जो बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन बता रहे हैं उनका हो जा रहा है। जैसे क्या क्या बताना चाहिए सर? सर मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर जो ग्रेजुएशन किए हो या हाँ जो मतलब किए हैं सब साल सब बताए, हो सके तो कुछ चढ़ा बढ़ा के भी बता दें, क्योंकि वहां पर तो वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है, वहां पर तो कोई देखने जा नहीं रहा है कि मार्कशीट लिए हैं या फिर कुछ लिए हैं कि नहीं लिए हैं। हाँ और वो तो मार्कशीट वगैरह लगेगी वेरिफिकेशन पे। हाँ हाँ तो सर बता दें डिप्लोमा किए हैं या फिर कुछ यहाँ से यूनिवर्सिटी से, या बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुछ भी बता दें सर। जब ऐसे ही ले रहा है तो ऐसे ही बता दें, क्या मतलब है सर। सर आप ये बताइए, सर आपकी इंट्री हो गई, अब जी सर, उसके बाद क्या हुआ? जब हमारी एंट्री हुई तो हमें पहले बिठाया गया, हाँ और बिठाने के बाद जो है वो 20-20 लड़कों को बैच बनाया गया। बीस बीस और लड़कों का उसके बैच बाद बनाया। जो बोला गया कि 6 नंबर का बैच है, हमारा 6 नंबर का बैच था। बोले 6 नंबर का बैच है, इसे याद रखना, लिख लेना हाथ में। तो वो बोले ठीक है सर, हाँ 6 नंबर का बैच हाथ में लिख लिए थे। और उसके बाद फिर बोला कि जो है वो वाला वहाँ वाला बैच भी लिख लो, जो फिजिकल टाइम वाला बैच लिख लो, और जो है वो लिख लो और डेट लिख लीजिए। तो सर वो सब लिखे, उसके बाद जो है फिर 20 लड़कों को अंदर लेके गया, बैग वही रखवाया। तो बैग रखवाने के बाद सर फिर वहां से उठाया, वो अंदर लेके गया, फिर जो है वेरिफिकेशन हुआ। सर वेरिफिकेशन होने के बाद जो है फिर वहां से बिठाया था थोड़ी देर बाद, वहां से फिर लेके गए जो है टेस्ट के लिए। हाँ हाँ सर, ट्रेड टेस्ट में फिर आप बताइए, अंदर घुसे तो आपके पास क्या क्या सामान उपस्थित था? मैं सब कुछ, क्या है कि हर दिन कुछ अपडेट तो नहीं करवा रहे हैं, इस कारण से मैं बंदों का एक्सपीरियंस लेता हूँ, नहीं तो एक ही बंदे का एक्सपीरियंस सर काफी है। हमारे से पहले वाले बैच में उसमें तो देखकर पूछा था कि सीसी थमा दिया था कि ये क्या डिटॉल है या फिर जो है फिनाइल है। तो एक लड़के ने बताया उसे सुनकर कि ये डिटॉल है। हाँ और उसके बाद जो है फिर हमारे वाले में तो ये सब रखा तो था सर, लेकिन ये सब कुछ नहीं पूछा, सिर्फ झाड़ू लगवाया। क्या क्या रखा था वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। सर मैं देखा नहीं ना, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि सामने ऑफिसर आए और बगल में देख नहीं सकता, इतना टाइम है नहीं सर। सिर्फ एक नजर मारे से यही दिखा था, डिटॉल वगैरह दिखा था और फिनाइल की गोली दिखी थी, और जो है सर हार्पिक दिखा था और एक चूर्ण दिखा था, वॉशिंग पाउडर है क्या सर। हाँ चूर्ण तो वॉशिंग पाउडर ही होगा, और क्या होगा सर? हाँ सर वही दिखा था बस। उसके बाद तुरंत हटा लिए नजर उनके, मान लो इधर उधर देखेंगे भैया सामने पांच पांच अफसर बैठे हैं। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद क्या करवाया सर? उसके बाद सर फिर इंट्रोडक्शन लिए सबका। जी सबका इंट्रोडक्शन लिए? सर, ओ और हाँ उसके बाद जब इंट्रोडक्शन दे दिए तो बोले ठीक है जाओ और 10-10 लोग झाड़ू लगाओ। 5-5 लोग को भेज दिया, 10 लोग में से फिर 5-5 को भेज दिया कि हाँ जाओ झाड़ू लगाओ। उसके झाड़ू बाद झाड़ू लगवाओ। लगाया हम सर, उसके बाद बोले जाओ। तो उसमें ऐसा था कि वही हुआ जो दिल्ली का है, क्योंकि ऑफिसर दिल्ली के हैं, सब मनमौजी हैं, अपने मन से सब करते हैं, मतलब क्वालिटी भी नहीं दे रहे हैं, बस उनका जिसके ऊपर उनका दिल आ जाएगा या जो उनके स्टेट का होगा या जो उनके डिस्ट्रिक्ट का होगा उन्हीं को हो जाएगा। ऐसा है?
ऐसा है। और एक लड़का तो उसमें लाइन में बैठे थे, तभी एक कांस्टेबल आया, उसको बुला के ले गया कोने में। हाँ और उसके बाद कुछ बात होती है, उसके बाद फिर चलाया, मतलब सेटिंग भी चल रही है। हाँ सेटिंग भी चल रही है, सर बिल्कुल 100% चल रही है। तो सेटिंग भी चल रही है अब, मतलब उससे क्या बात होती है, वो कुछ बताता है? नहीं वो सर बस उसको आया बुलाया, वो उठा मुड़ी नीचे किए गया, उसके बाद मुड़ी नीचे करके आया, चुपे बैठ गया। उससे किसी ने बात नहीं हुई कुछ? नहीं सर बात नहीं, वैसे में दूसरे लाइन में था ना सर। हाँ तो क्या कहा उससे, ये कुछ पता नहीं है मतलब, नहीं सर तो अपन ऐसे कैसे कह वो सकते उस नहीं हैं? उस उसकी पहचान का था, उसका नाम लेकर बुलाया था। हाँ ऐसा उसका सिलेक्शन हो गया उस बंदे का? अच्छा सर वो लड़का जो हमारे बैच से आगे था उसको हम देख नहीं पाए, लेकिन सिलेक्शन पक्का है, हो गया होगा उसका। जी भी है सर, मतलब अब क्या करना चाहिए, बंदों का तो हौसला टूट रहा है, आप कुछ बताइए जिस प्रकार से वो, क्या हम क्या एक यूनियन तैयार कर रहे हैं, सुनो सर, जिससे क्या अपन क्या कहें बाद सर हम, आप ही कुछ करिए, मान लीजिए हम सब साथ रहेंगे और क्या। हमने एक यूनियन तैयार करने के लिए सभी बंदों का जो है, एक तो सबसे पहले आरपीएफ टेस्ट नाम से मैंने नीचे ही चैनल बना लिया जिस पर सारे बंदे आरपीएफ के ही हैं। जी सर उसके बाद जो है ग्रुपिंग तो मैं कर रहा हूँ, सभी लोगों के नंबर मैंने लिख लिए हैं, अब जब भी मैं ज्ञापन ये दूंगा, जब भी मतलब तैयारी होती है इसकी, ज़्यादा जी से ज़्यादा सर बच्चे हो जाते हैं तो ज्ञापन के लिए तैयार, कम से कम यदि 1,000 बच्चे तैयार होंगे तब तो ज्ञापन देना ठीक लगेगा, और सही 100 बच्चे तो है संसद के सामने भी अच्छे नहीं लगते, समझ रहे बात को, कोर्ट के सामने जी क्या सर अच्छे लगेंगे, पर तो इस कारण से कम 1,000 बच्चे तैयार हो जाएंगे तो अपन ज्ञापन दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर तो अपन को जी सर तो वही मैं कहना चाह रहा था, आप जो है उस YouTube चैनल को से जुड़ जाना सबसे पहले, तो नीचे जो दिया है आरपी अपडेट टेस्ट नाम से, मेन चैनल के नीचे दिया है आरपी अपडेट टेस्ट नाम से एक और चैनल, जी सर उसको सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आपका नंबर ये मैं नोट किए लेता हूँ, क्योंकि आगे से जो कोई भी कम्युनिटी अपडेट होगा ना उसी पर होगा, क्योंकि व्हाट्सअप का मैं ग्रुप तो तैयार कर रहा था लेकिन उस पर क्या 257 लोग ही जुड़ पाते हैं, और जी दो सर सौ सत्तावन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं, जी सर इस कारण से मैंने अलग से जितने भी बच्चे ना उन लोगों का उसी का तैयार किया, उसी का ग्रुप, क्या कहते हैं यूट्यूब वाला ग्रुप, जी सर हाँ तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आगे से इसके लिए यदि हम तैयार होते हैं तो आप बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि मैं ठीक है सर पिछले 4 से 5 वीडियो से यही लगातार सुनता आ रहा हूँ कि सेटिंग चल रही है, सेटिंग चल रही है, अरे सेटिंग चल रही है तो और बच्चों का क्या होगा, जी सर हाँ यही कारण से अब मैंने तैयार सोच और लिया। सर वर्क देखकर वो क्वालिटी देखकर नहीं दे रहे हैं सर का, वो नहीं दे रहे निर्णय, बस निर्णय मतलब जिसके ऊपर उनका दिल आ जाएगा, जिसके ऊपर मन आ जाएगा, जिसको चाहेंगे उसी को रख रहे हैं। सर मतलब ये कितना दिल भी आना अच्छा मन काम आना, कर सर इस लीजिए, सर इसका जो मतलब पूछे आप कितना भी सही बता दीजिए, उनके मन के ऊपर है। मतलब ये सब कुछ हो कैसे रहा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने कह दिया दिल आ गया मन आ गया, मतलब किस प्रकार से दिल आ गया मन आ गया, अरे वही तो उनके स्टेट के हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा ये है, तो ये तो सीधा सीधा धांधलेबाजी चल रही है मतलब, धांधलेबाजी पूरे मनमौजी, एकदम मनमौजी काम हो रहा है सर। आप टेंशन ना लीजिए सर, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो हम जरूर निकालेंगे, और कब तक निकालेंगे इसके लिए मैं आपको क्या संज्ञा दूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जल्द से जल्द इस पर काम तो किया जाएगा, जी सर और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो है आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना, जी सर जी सर तैयार इसीलिए रहना क्योंकि आप लोगों के यदि संग नहीं मिलेगा तो फिर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, समझ जी सर रहे हो, जी सर और आप कुछ अपने भाइयों से कहना चाहोगे, आपको पता है इसको 1,000 लोग सुनने वाले हैं वीडियो, कुछ यदि मोटिवेट, क्योंकि मेरा ये कहना है कि भले ही हो ना हो अपना काम पूरा करना है, पहुंचना तो वहां पे है, सर सही है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ भाइयों से कि अगर वो जो है मतलब क्वालिफिकेशन अगर जब बताएं तो जो ना हो वो भी मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा बता दें, इफेक्ट पड़ेगा जितना इसका। बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन बता सके उतना ठीक है। हाँ सर क्योंकि ऐसा भी मैंने है। आज देखा है उसको लताड़ भी लगाई, झाड़े भी उसको कि जो है इतना मतलब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो है तुम पढ़ के आए हो, उसके बाद जो है तुम क्या बोलते हैं ग्रुप डी की नौकरी करोगे, फिर भी उस बंदे का हो गया। हाँ ऐसा है क्या? सर ये तो बहुत ही टफ बता रहे हैं मतलब, वही तो बता रहे हैं सर। और एक तमिलनाडु का था, उसको बताया तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का एक बैठा था ऑफिसर थे, उसका भी हो गया।
तमिलनाडु का ऑफिसर का भी हो गया। हाँ, तमिलनाडु का ऑफिसर था ना सर, तो तमिलनाडु वाले दो लड़के थे हमारे ग्रुप में, उनका दोनों का हो गया। ऐसा हाँ सर, इसके लिए मैं तो आपको सिर्फ एक ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, जी और सर, जब भी मौका लगता है तब भी अपन काम करते हैं, तो आप परेशान ना होइएगा। आपको जो है समय से पहले हम बुला लेंगे, क्योंकि जी सर, यदि ऐसा होता है तो फिर सब लोगों को इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा यदि ऐसा होगा तो। इसके लिए अपन बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ कोशिश करते हैं, और आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप हताश ना हो, अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए भविष्य में आगे के लिए तैयारी करें। ओके, क्योंकि अब हताश होने से कुछ होने वाला है नहीं। मैं इसीलिए बंदों से बात कर लेता हूँ कि किसी का क्या है कि कोई परेशान होता है, कोई बंदा कोई किसी कारण से परेशान होता है, तो इस कारण से सभी से मैं बात जरूर करता हूँ, इसी कारण करता हूँ कि जिससे क्या वो हताश ना हो जाए। हताश हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। नहीं सर, मान लीजिए प्रॉब्लम तो 1-2 दिन होगी, क्योंकि इतना दूर जाकर जो है पिच कर दिए, इलाहाबाद से सिकंदराबाद, उसके बाद जो है फिर सर वहां से आया है, टेस्ट देने एग्जाम दिए, इतना सब टाइम गया, पैसा लॉस हुआ, कोई अर्थ नहीं निकला, वो भी जो है ऐसा काम भी करवाए, उसके बाद जो है फिर मनमौजी काम कर रहे हैं, तो दुख होता है ना सर ये सब देखकर। ये भी आपका कहना सही है फिर भी, लेकिन अब फिलहाल तो अपन को क्या ऐसा स्टैंड ही करना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है अपने पास, एक नहीं, और कोई हाँ कुछ सर, कर ये भी भी नहीं सही कह सकते रहे हैं अपन, आप। कुछ कर सकते हैं क्या बताइए। नहीं सर, कर क्या सकते हैं, कर तो कुछ नहीं कर सकते सर, तो सब उन्हीं के हाथ में है। हाँ बस ये कि अपने हाथ में कुछ होता, अपने हाथ में जो है वो अपन करने वाले हैं, अब टेंशन मत लो, जी सर, अपने हाथ में एक ही चीज़ है वो अपन करके रहेंगे। अब जी सर, वो इकट्ठा करना है लोगों को जितना जी ज़्यादा सर, से ज़्यादा हो सके, बस आपको जब भी यदि इन्फॉर्म किया जाए तो आप तत्काल मतलब एक तैयार रहना, जी सर, और सभी लोगों को जितने भी भाई लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों के लिए विनम्र निवेदन है कि यदि ऐसा हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके खिलाफ, नहीं तो फिर हमारा भविष्य जो है एक तरीके से खतरे में मना जाए। यदि या तो हम कुछ ऐसा करें नहीं, अब कर भी रहे हैं तो पूरा करना ही होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है इतना सब कुछ करने का भी, या तो मेरा भी कोई मतलब नहीं बनता। वीडियो तो मैं कल बंद कर दूं, मुझे उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, मैं तो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं जिससे बंदों को जो है लगातार जानकारी मिलती रहे मिलती रहे। लेकिन अब ये क्या, यदि इस प्रकार से चला तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, भले ही कितनी भी वो जानकारी मिलती रहे, जानकारी का कोई फायदा ही नहीं है। जी सर, नहीं आप जो है कुछ कहना चाहते हो? सर, बस मैं इतना ही बताना चाहता था, क्योंकि हमारे अंदर ज्वाला भड़क रही थी ये सब देखकर, मैं सोचा कि आपको बताऊं, आपके थ्रू जो है सभी बच्चों तक पहुंच जाए। 100% पहुंच गई, पहुंच जाए नहीं पहुंच गई, ये तो आप समझो पहुंच गई। जी सर, हाँ ये तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ कि पहुंच जाए, अब तो पहुंच ही गई, अब तो सिर्फ अपन को क्या है वहां पर पूरा पेश करना है बस, काम तो अपना हो गया ये मानो। जी सर, ओके सर, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद सर, जो है आपने थैंक यू अपना। सर।